प्रत्येक शनिवार के दिन आयोजित होने वाले परिवार परामर्श केंद्र में 13 जुलाई के दिन 40 पत्रावलियों पर सुनवाई की गई। दो का फॉलो अप किया गया, साथ ही एक दंपति को समझा बुझाकर एक साथ रहने के लिए विदाई दी गई। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें पुलिस लाइन के बहुउद्देश्यीय हॉल की तस्वीरें हैं। यहां प्रत्येक शनिवार के दिन परिवारों को जोड़ने के लिए परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में किया जाता है। ऐसे पति पत्नी जो छोटे छोटे बातों को लेकर एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं और अपना परिवार बिगाड़ लेते हैं, ऐसे परिवारों को जोड़ने के लिए परिवार परामर्श केंद्र इस तरीके से कड़ी मशक्कत करते हुए दोनों पति पत्नी को समझा बुझाकर एक साथ रहने के लिए विदा करते हैं। 13 जुलाई के दिन आयोजित किए गए परिवार परामर्श केंद्र में 40 ऐसे मामलों पर सुनवाई की गई जो पति पत्नी एक दूसरे से छोटे छोटे विवादों को लेकर अलग रह रहे थे। वहीं दो मामलों का फॉलो अप भी किया गया। सभी 40 मामलों में से एक ऐसा परिवार था जिसकी समझ में परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों की बातें आईं और पति पत्नी एक साथ रहने के लिए विदा हो गए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। परिवार परामर्श केंद्र के वरिष्ठ सदस्य मुजम्मिल मिर्जा ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। मिर्जा जी, आज परामर्श केंद्र में कुल कितने मामलों की सुनवाई है और कितना फॉलो अप रखा गया? आज पहले 40 तो हियरिंग में लगी हैं, दो फॉलो अप में लगी हैं। फॉलो अप से मतलब होता है कि हम जिसको विदा करते हैं उसको एक महीने बाद बुला लेते हैं ताकि उसकी जानकारी मिल जाए कि ये परिवार सही चल रहा है या कहीं कोई गड़बड़ी है। सही चल रहा तो सो फोर और इन ऐसा कभी हो कि वो कमी है कुछ तो उस लाइन पर थोड़ी सी बात करके समझा बुझा। मामले कैसे किस तरीके के मामले आ रहे हैं? जिस तरीके के अभी तो बहुत छोटे छोटे होते हैं मगर यहाँ आते आते बहुत बढ़ जाते हैं। चाहे वो उनके घर का लड़की के या लड़के की तरफ से पारिवारिक विवाद हो और उसमें वो तूल पकड़ जाए। कुछ नए नए लोग हैं उन्हें मशवरा देते हैं कि अरे बिठा दो ये है और वो है, और कभी कभी मोबाइल, कभी कभी रिश्तेदार, मतलब हर कहानी अलग आती है। अब वो कहानी जब समझ में आती है कि जब वो लोग आते हैं उससे बात करते हैं तो समझ में आता है कि पानी कहाँ पे मरवा है, उसी ज़मीन से काम शुरू करते हैं तो कैमरा भी नहीं।